धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में धर्मपुरी क्षेत्र के 187 मतदान केंद्रों पर आज शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। धर्मपुरी अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 28 में 15 उम्मीदवार होने के कारण हर बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखी गई। बता दें, हर बूथ पर एक मतदाता को 4 पदों के लिए मतदान करना था। वहीं बारिश को देखते हुए प्रशासन ने बूथों पर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था भी की थी। हालांकि 3 बजे तक किसी भी मतदान केंद्रों पर हवा, आंधी या बारिश नहीं हुई। अब मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर तनाव देखा गया। बता दें, अधिकतर मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक मतदान संपन्न हो चुका था और कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पर्ची बांटी गई, जिन पर मतदान जारी रहा। 187 मतदान केंद्रों में से 11 संवेदनशील एवं 12 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए थे, जिस पर समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। मतदान के बीच में जिला कलेक्टर पंकज जैन एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। ग्रामीण क्षेत्र के मतदान में महिलाओं ने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए बड़ी संख्या में मतदान किया। वहीं बुजुर्ग महिलाओं और नवीन मतदाताओं में भी मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 128 पर लालूबाई उम्र 98 वर्ष एवं प्रेमबाई उम्र 85 वर्ष ने व्हीलचेयर से आकर मतदान किया। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। आप क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी घबराहट सी हो रही है। बहुत दूर से आए हैं वोट डालने। अच्छा, कहाँ, कितनी दूर से? बड़वानी से। अच्छा, इन्हें पहली बार मताधिकार का उपयोग? हाँ, पहली बार मिला है। आपका नाम? लक्ष्मी चौहान। आज आप मतदान करने हैं, पहले कभी मतदान किया? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब हम अच्छे इंसान को चुने जो कि गाँव का अच्छा सा कार्य करे। Subscribe now to most exciting channel ever.